मैं मोहम्मद ईशान और मेरी उम्र है 30 साल। पढ़ना चाहते थे हम लोग, वसाइल इंसान की बंद नहीं होते तो बंदा फिर पीछे रह जाता है। अस्टिक मिनरल में मेरे को इलेक्ट्रिक की जॉब करता हूँ मैं, और तकरीबन 6 साल हो गए मेरी जॉब को। यहीं आके यानी कि अलीब से लेके ये तक पढ़ी और ABC सीखी। हर काम में मुश्किलात होती थी, यानी हर चीज़ की मुताजी, आप कहीं जा रहे हो तो पता करना, किसी ने आपको कुछ लिख के दे दिया तो इंग्लिश में उर्दू में आप नहीं समझ पाओगे। कोई चीज़ लिखी हुई, डेट लिखी हुई, बिल पे डेट लिखी हुई है, और कहीं बंदा जा रहा है तो बस वो नाम भी नहीं पढ़ना आ रहा, एक कहाँ से कहाँ उतरना है वो, यानी कहीं किसी जगह पे खड़े हैं तो साइन बोर्ड से पता नहीं चलता ये रास्ता किधर कट रहा है, ये रास्ता किधर कट रहा है। कोई कॉल आ रही तो फ़ोन के ऊपर नाम पढ़ना नहीं आएगा। किसी साहब ने पैसे दिए तो ये लिखे हुए तो 90 रुपये, उसे 6 रुपये ज़्यादा काट लिए, ये पता नहीं चलता था। और कहीं लाइन लगी हुई, यानी किसी बिल की किस्तों की, साइन बोर्ड लिखा होता किस्तों की, ये बिल भरने गए, फिर पूछना पड़ता था, यानी कि मुताजी थी, फिर अपने उनको तंग समझते थे। इसलिए ये बहुत बेहतरी आई मेरे अंदर पढ़ाई करके, बंदा आसान अल्फाज अटक अटक के जो करके पढ़ लेता है। यानी अभी कुछ और महीने कोर्स क्लासें चलेंगी तो वो कुछ बेहतरी आएगी। मेरे डिपार्टमेंट जज का, यानी कि उन्होंने अभी तक के मेरे को रोका तक नहीं, उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा, और डिपार्टमेंट वाले भी बोले मौका मिला है तो हासिल करो कुछ ना कुछ। टीचरों ने बड़ा साथ दिया, जिसने बोला पढ़ने है तो साथ दिया, यानी किसी ने भी। क्लास में आने से खुशी मिलती है, और पढ़ते पढ़ते टाइम इतना गुजर जाता है, इसलिए लगता है टाइम ही कम है पढ़ने का, ये पता नहीं चलता टाइम का। हम सोचते हैं 10-15 मिनट और मिल जाए पढ़ने के लिए। जो मेरे साथ बैठ पढ़ा लिखा नहीं है, मैं उनको भी यानी कि बताता हूँ, यानी पढ़ाई कर लो, यानी वो भी इंशाल्लाह चलेगा तो इनके साथ, 30 सालों के साथ इंशाल्लाह फिर हिस्सा लेंगे कोर्स में।